नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अशिम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं देश की महत्वपूर्ण मौसम की जानकारी। जीएस वाले मैप को अगर आप देखें, यह है कल का अधिकतम तापमान वाला एक टेम्परेचर मैप, जिसको हम कह सकते हैं अधिकतम तापमान वाला मैप। अगर इस तापमान वाले मैप को अगर आप देखें, तो आप देखेंगे इनको कलर में, रंगों में जो दिखाया गया है, मुख्य रूप से आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और ये वाले भाग, ये अधिकतम तापमान एक तरह से आप देखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की जगह को दिखाया जा रहा है। अगर इसका मतलब क्या हो रहा है, अधिकतम तापमान में इन जगहों पर वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम इसके पूर्वानुमान के विषय में बताएं, अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात राज्य में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये लाल रंगों से दिखाया जा रहा है। अब ये 5 दिनों के दौरान गुजरात राज्य में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और अगले 2 दिनों के दौरान की अगर हम बात करें, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में लू भी चल सकती है, मतलब लू चलने की भी संभावना सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। आइए अब चलते उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की अगर हम बात करें, अधिकांश हिस्सों में हालांकि तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन जगहों पर भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने जा रही है। अगर हम अब महाराष्ट्र की चले, देखिए महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे रंगों को, अब ये एक तरह से इन रंगों से दिखाया जा रहा है। सो अधिकतम तापमान भी यहाँ पे दर्ज हो रही है। तो अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के अधिकतम तापमान में हालांकि कोई महत्वपूर्ण संभावना नहीं है बदलने की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने जा रही है। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हमारी वेधशाला में दर्ज किए वर्षा। अगर हम बात करें, मुख्य रूप से अंडमान निकोबार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में दर्ज की गई है। महत्वपूर्ण वर्षा इंदौर में और हडबे में हुई है, जो 1 सेंटीमीटर के रूप में है। अधिकतम तापमान जैसा कि हमने आपको जो मैप दिखाया, 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज किए गए। मुख्य रूप से जो जगह है वो है गुजरात, विदर्भ, उड़ीसा, केरला, माहे, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु में, जैसा कि अधिकतम तापमान में हमने बताया है वृद्धि होने जा रही है। यह है हमारे संयुक्त परिस्थिति, जैसा कि आप देख सकते हैं इनसेट 3DR की सैटेलाइट की इमेजरी में ये जो दिख रहे हैं बादलों का समूह एक तरह से पूर्व दिशा की ओर अग्रसर, और खासकर अगर आप देखें इन भागों में, ये देखिए ट्रैफिक यहाँ पे भी है, और साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको बांग्लादेश के पास, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के समीपवर्ती जगहों पर दिख रहा है, और एक ट्रफ अगर आप देखेंगे ये केरला से होते हुए आंतरिक कर्नाटक, रॉयल सीमा और ये तेलंगाना से होते कर छत्तीसगढ़ तक ये जा रही है। ये ट्रफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और एक बादलों का समूह जो अंडमान सागर, जो बंगाल की खाड़ी की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक चक्रवाती परिसंचरण यहाँ बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक तरह का समूह है एक तरह से बादलों का। अगर हम बात करें पूर्वानुमान चेतावनी की, तो मुख्य रूप से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की जो आइसोलेटेड प्लेस में और साथ में हल्की वर्षा कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में आज देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें उत्तरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तो आने वाले 24 घंटों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ केरला, माहे में भी 14-15 तारीख को, और तमिलनाडु में 13 और 15 मार्च को हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि पूरे देश में हमने बताया मौसम शुष्क रहने जा रहा है। अगर हम वेदर वार्निंग की बताएं, 5 दिनों का पूर्वानुमान, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, देश के खासकर सभी भागों में मौसम शुष्क रहने जा रहा है, लेकिन अभी गुजरात और ये इन जगहों की आप बात करें, यहाँ पे अधिकतम तापमान में वृद्धि होने वाली है। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।